यहाँ पे पूड़िया बनाई जा रही है और यहाँ पे नमकीन बिस्किट और ये पेठा रखा जाता है ऐसे पूड़े में, एक सुपारी रखा जाता है इसमें। तो यहाँ पे चावल का आटा बन चुका है और अब उसे छनने से यहाँ पे छानेंगे तो ये बारी बारी नीचे आ जाएगा और मोटा मोटा को फिर से कोटेंगे ओखली में। यहाँ पे अरसे बनने लगे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे तेल में बन रहे अरसे और बन के इस तरह से हो रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तेजू गुसाई व्लॉग में। आज सभी ठीक होंगे तो मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्ट अभी सुबह के 9 बजे से हो रही है, तो मैं जा रहा हूँ अभी नीचे गांव में और आज हमारे गांव में है शादी। तो आज यहाँ बनेगा कलियो, जो शादी से पहले बनते हैं अरसे होके ये बनाएंगे, और जो मेहमानों के लिए टीके के लिफाफे बनाते हैं और पूड़ियाँ बनाते हैं, जिसमें कि आपको यहीं जा कर बताऊँगा कि क्या क्या बन रहा है यहाँ। और यहाँ पर आज शाम को है मेहंदी, तो अभी यहाँ पे तैयारी भी करना है, टेंट भी लगाना है और घर को भी सजाना है, तो यहीं जाके वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि शादी से पहले किस तरह से काम करते हैं यहाँ पहाड़ों में। अभी यहाँ पे भाभी जी एक बैग को लेके जा रहे हैं और ये प्याज की कुटरी लेके, और बहुत सुना रहे हो, मार भी रहे भाभी जी पीछे से और अभी कुंदन के घर में चलते थोड़ा मैं तुम्हारा दिया गया रोज बनो दिया नाश्ता पैन है। नमस्कार, ठीक है चे किले न बनो ना दिया गया। और यहाँ पे एक छोटा सा बेबी है और ये यहाँ पे दूध पी रहा है। मौसम देख सकते हैं काफी सुहाना मौसम हो रखा है और अच्छी खासी धूप लगी है, पर ठंडी हवा चल रही है आजकल। गांव के ऊपर देख सकते, गांव के ऊपर पूरा घना जंगल सा है और देखिए जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इतने से ऊपर काफ़ी ठंड होता है और इतने से नीचे तब भी ठीक होता है, इतना ठंड होता है, गर्माहट से रहते हैं क्योंकि इतने से नीचे हवा नहीं चलती है और इतने से ऊपर बहुत हवा चलती है। तो काफ़ी देर तक मैं पन्नी को रुका रहा, पर ये बहुत देर में आया और इसने लेट करा दी है। और क्या किया तूने घर में बैठ के? अरे काम था यार, कुछ काम था। ये सुबह से फ़ोन ही पे लगा हुआ था और इसकी भाभी उसको डांट रही थी, और ये सुबह से फ़ोन चला रहा है अंदर बैठ के। किले तो वह भूख बोली नहीं मैंने। तो देखो अभी भी एक गाय बेचने के लिए जा रहा है पहले और तब आएगा नीचे शादी में, इतना लेट करता है। और मैं अपना सब काम करके आ गया ऊपर गौशाले से भी आ गया मुर्गे फार्म से, और अब यहाँ जा रहा हूँ शादी में। अभी पहुँच चुका हूँ मैं उस घर में जहाँ पर शादी हो रही है, और यहाँ पर ऊपर से चांदनी लगा रहे भी, और यहाँ पर भी बहुत कम लोग आ रखे हैं, और यहाँ पे बड़ा जी तंबाकू पी रहे हैं पिएगा तुम्हारा तुम्हारा तो जैसे ही उन्होंने कैमरे को देखा अपनी टोपी वोपी सही कर रहे हैं। हाय, और यहाँ पे कालू भाई भी आ चुका है तो यहाँ पे नंदन भाई एक साल बाद दिल्ली से घर आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो नंदन भाई स्पेशल शादी के लिए आ रखे हैं और शादी में खूब डांस करेंगे, और नंदन भाई गजब डांस करते हैं, रात को दिखेंगे आपको उनके डांस। कुछ तो बोल, कुछ बोल नहीं, सब्सक्राइबर सब कुछ ठीक है, गांव में मजे हैं, गांव का सीन ही अलग है। ठंडा लग रहा है कि गर्मी? ठंडा है, वहां से ठंडा है गांव में। अरसे बनने की तैयारी हो रही है और यहां पे चावलों को कोटा जा रहा है ओखली में। और जो आपको ये पतीला दिखाई दे रहा है इसमें चावल रखे भिगाने के लिए और कंडाली की पत्ती रखे है ताकि नजर ना लगे और यहाँ पे चावल कूटे जा रहे हैं ओखली में, और इसका बिल्कुल आटा बनाएंगे बारीक। तो यहाँ पे चावल का आटा बन चुका है और अब उसे छनने से यहाँ पे छानेंगे, तो ये बारी बारी नीचे आ जाएगा और मोटा मोटा को फिर से कोटेंगे ओखली में। तो यहाँ पे दूल्हे राजा भी आ चुके हैं और इसी के साथ है दूल्हे राजा का, तो कैसा लग रहा है कल दूल्हा बनोगे? खुशी के और दूल्हे से ज्यादा खुशी तो इसे है और हमारे गांव में ये भंडार कक्ष होता है जहाँ पे शादी का सारा सामान रखा रहता है, यहाँ पे जितने भी खाने पीने का सामान होता है सब यहीं रखा रहता है, और एक आदमी को रखा रहता है यहाँ पर। और है तेजपाल गुसाई, तो
और काम यहाँ पे ब्लॉगिंग करेगा। देखो कुछ ब्लॉगिंग और पुरान भाई तो यहाँ पे पूड़ियाँ बनाई जा रही है और यहाँ पे नमकीन बिस्किट और ये पेठा रखा जाता है ऐसे पूड़े में, एक सुपारी रखे जाते हैं इसमें, तो इसको बरातियों को दी जाता है और जितने भी मेहमान होते हैं वो खाते हैं उनको। तो अभी हम सब जा रहे हैं इधर निंगाल लेने के लिए और हमारे यहाँ निंगाल का गेट बनाया जाता है तो निंगाल लेके आते हैं हम यहाँ से। अभी हम आ चुके हैं निंगाल के लिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़े हो रखे हैं जिसकी वजह से कोई नहीं आ रहा ऊपर और मेरे को भेज दिया ऊपर, तो मैं यहाँ उनके लिए रास्ता बना रहा हूँ अभी और निंगाल की झाड़ ऊपर है। अभी यहाँ पे पुरान भाई जा चुके हैं निंगाल काटने के लिए और इसके अंदर दिखाई भी नहीं दे रहे। हम यहाँ पे निंगाल काटने में लगे हुए हैं और इधर से कालू यहाँ से सुना रहा है कि अच्छे से काटो और ये ऊपर नहीं आ रहा है और हाँ दिल्ली से आ रखा तो कह रहा है कि मैं गंदा हो जाऊँगा, तो यहाँ पे निंगाल भी काट दिया है और ऊपर से लेके आ रहा है पौने भी और दिल्ली वाला लौंडा पकड़ेगा इसको नीचे से। आप और ये यहाँ से निंगाल फेंक रहा हम पे तो यहाँ पे सबने निंगाल पकड़ दिया है थोड़ा थोड़ा करके और अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। तो अभी हम निंगाल लेके भी आ गए हैं और यहाँ पे घर की सजावट भी कर दी है और आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रहा है घर और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग भी आ चुके हैं और ये क्रेडिट जाता है पंकज पंचोली को, इसने सजाया है पूरा घर को। और यहाँ पे भी इधर चावल ही कूट है और इतना आटा बना दिया चावल का और यहाँ पे छनी से छान ले इसको। यहाँ पर शाम की सब्जी की तैयारी भी कर रहे हैं और यहाँ पे सब्जी काटने भी लग गए सबके सब। और यहाँ पे सब लोंडे बारात खा रहे हैं और हीरा यहाँ पे ग्वाला जा रहा है। यहाँ पर अभी अरसे के लिए चाशनी बना रहे हैं कुड़ के और यहाँ पे चाचा लगे चाशनी बनाने में। और जब इसका ये तार जैसा बन जाएगा तो ये तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे अरसे बनाने के लिए आटा भी आ चुका है जो चावल का आटा है। आटा है आटा। तो यहाँ पे गुड़ के चाशनी और चावल के आटे को मिक्स कर देंगे साथ, फिर इसके बाद तेल में बनाएंगे उनको और तेल यहाँ पे गर्म हो रहा है अभी। तो यहाँ पे 550 पूड़ियाँ बना दी है और अभी और पूड़ियाँ और बने, कितने पूड़े बना कुल मिलेगा? 1500 पूड़ियाँ बनेगी यहाँ पे। अभी यहाँ पे अरसे बनने लगे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे तेल में बन रहे अरसे और बन के इस तरह से हो रहे हैं। ये देखो बोले और ये देखिए इस तरह से बनाते हैं अरसे, ऐसे डालते बोलो। यहाँ पर गेट भी बन चुका है और गेट उन्होंने टेढ़ा बना दिया है और कालू बहुत खुश हो रहा है यहाँ पर। अभी शाम के 6:30 बजे का टाइम, तो अभी हम बारात में आ चुके हैं फिर शाम को और भी शाम के वक्त है मेहंदी यहाँ पर।